नमस्कार, सत्यमेव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकित माथुर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइन से। नेपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल दौरे का आज दूसरा दिन, आखिरी दिन पीएम मोदी शनिवार को पहुंचे मुक्तिधाम मंदिर। महाराष्ट्र में हिमांशु राय ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। हिमांशु राय थे कैंसर से पीड़ित। बेंगलोर में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी। पोलिंग बूथों पर मतदान के लिए लोगों की दिखाई दे रही है भीड़। और जयपुर में राजस्थान ने चेन्नई को 4 विकेट से हराया। सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला गया था मैच। और अब खबरें विस्तार से। बेंगलोर में कर्नाटका विधानसभा चुनाव में 222 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के वोटिंग जारी है। सुबह से पोलिंग बूथों पर मतदान के लिए लोगों की भीड़ दिख रही है। 224 विधानसभा सीटों वाले राज्य में 2 सीटों पर मतदान स्थगित कर दिया गया है। कर्नाटक में 4.98 करोड़ से अधिक मतदाता है, जो 2600 से अधिक उम्मीदवारों के बीच से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। इन मतदाताओं में 2.52 करोड़ से अधिक पुरुष और करीब 2.44 करोड़ महिलाएं, और इनमें से सबसे अलग 4552 ट्रांसजेंडर शामिल है। नेपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेपाल दौरे का आज दूसरा दिन है और आखिरी दिन है। पीएम मोदी शनिवार को सबसे पहले मुक्ति धाम मंदिर पहुंचे। इसके बाद वे पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा कर भगवान विष्णु और शिव का आशीर्वाद लेंगे। मुक्तिनाथ मंदिर के बाद पीएम मोदी का काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में सुबह 10:20 पर पहुंचने का कार्यक्रम था। पशुपतिनाथ मंदिर में मोदी का यह दूसरा दौरा होगा। साथ ही नेपाल में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों से भी पीएम मोदी मिलेंगे। धार्मिक और सांस्कृतिक एजेंडा वाली पीएम मोदी की इस नेपाल यात्रा के काफी गहरे राजनीतिक और कूटनीतिक मायने हैं। पीएम मोदी की इस यात्रा को चीन और पाकिस्तान के पाले में झुकती दिख रही मौजूदा नेपाल सरकार को भारतीय दबदबे और मजबूत सांस्कृतिक संबंधों का एहसास कराना भी है। आपको बता दें कि साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने के बाद यह तीसरी नेपाल यात्रा है। ओली की भारत यात्रा के 1 महीने से अधिक समय बाद मोदी नेपाल की यात्रा पर गए हैं। ओली ने मोदी को नेपाल आने का न्योता दिया था। आज शाम तक मोदी वापस भारत लौट आएंगे। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में होने वाली उपचुनावों में समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के अधिकृत उम्मीदवारों को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। जी हां, पार्टी ने सभी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक दलों से अपील की है कि वे भाजपा संघ के सांप्रदायिक गठजोड़ को उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट हो जाए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रमेश दीक्षित ने नूरपुर विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के नईमूल हसन को तो केराना लोकसभा उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकदल की प्रत्याशी तबुस्म बिना शर्त समर्थन देने की बात कही। राकापा प्रदेश अध्यक्ष ने आईपीएन को भेजे अपने बयान में कहा कि मौजूदा दौर में सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी बनती है। वे भाजपा और संघ के गठजोड़ को परस्त करने में अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। उन्होंने कांग्रेस को भी सलाह दी कि उसे समझदारी दिखाते हुए अपने दलों और दोनों उम्मीदवारों के नाम वापस ले लेने चाहिए और लोकतांत्रिक दलों की एकता बनाने के लिए सूबे से भाजपा को हराने की अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी का निर्वहन करें। डॉक्टर दीक्षित ने कहा कि भारत को हराने के लिए सभी लोकतांत्रिक दलों के बीच व्यापक एकता बने, यही आज के वक्त की दरकार है। कि उन्होंने कहा कि भाजपा का लोकतांत्रिक स्वभाव है या नहीं, ये सिर्फ सत्ता पाने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में घुसपैठ करती है, हर दाव आजमाती है
और सत्ता मिल जाने पर तानाशाह हो जाती है। वहीं लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुंभ मेला 2019 में जनपद इलाहाबाद शहर में सीएमपी डिग्री कॉलेज और सोहबतिया बाग में रेलवे अंडरपास ब्रिज के चौड़ीकरण कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग को 1926.65 लाख रुपए की मंजूरी करते हुए इसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 770.66 लाख रुपए स्वीकृत के क्रम में द्वितीय किश्त के रूप में 770.66 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह ने कुंभ मेला अधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी करते हुए अग्रिम कार्रवाई के निर्देश दिए। शासनादेश में कहा गया कि कार्य की विस्तृत मानक और गुणवत्ता की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग की होगी। इसके साथ ही निर्धारित समय सीमा के अंदर सभी कार्य पूरे करने होंगे। पल पल बदलते देश और दुनिया की हर खबर अब सीधे आपके मोबाइल पर सत्यमेव न्यूज टीवी के जरिए। सत्यमेव न्यूज टीवी को अपने मोबाइल में देखने के लिए आप प्ले स्टोर पर जाकर टाइप करें सत्यमेव न्यूज और इंस्टॉल करें भारत का पहला मोबाइल टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज। सुबह समाचार में आपका स्वागत है और एहसास कीजिए लाइव बुलेटिन, लाइव शो सहित देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों का अपने मोबाइल पर। महाराष्ट्र एटीएस के पूर्व प्रमुख हिमांशु राय ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। वे लंबे समय से कैंसर से ग्रस्त थे, उन्हें ब्लड कैंसर हुआ था। पुलिस ड्यूटी के अलावा वे बॉडी बिल्डिंग के लिए भी जाने जाते थे। बताया जाता है कि उन्हें बॉडी बिल्डिंग का शौक जन्मजात से ही था। इसके पीछे महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े नेता का तंज था। एक रिपोर्ट के अनुसार हिमांशु राय के एक करीबी अफसर ने बताया कि राय कभी दुबले पतले थे। एक बार वे ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के पोस्ट पर थे, उन्हें सरकार की तरफ से एक बड़े नेता को गिरफ्तार करने का जिम्मा सौंपा गया था। जब राय गिरफ्तार करने नेता के घर पहुंचे तो उन्हें मराठी में कहा गया कि एक पेदी सा पुलिस अफसर मुझे गिरफ्तार करने आया है। यह बात हिमांशु राय के मन में ठन गई, उन्होंने बॉडी बनाने की ठानी। इसके बाद राय ने ऐसी बॉडी बनाई कि उन्हें पहलवान पुलिस अफसर कहकर बुलाया जाने लगा। बताया जाता है कि हिमांशु इरोज सिनेमा के पास एक जिम में नियमित सुबह 1.5 घंटे जाते थे। थे मालूम हो कि 2013 में उनका नाम सुर्खियों में तब आया जब उन्होंने आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग को अपने हाथों में लिया। इसी बीच उन्होंने बिंदु दारा सिंह, गुरुनाथ मयप्पन जैसे बड़े नामी लोगों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ भी की। इसके बावजूद उन्होंने हमेशा ये ही कहा कि आईपीएल का केस तो काफी आसान केस था, उन्होंने इससे भी बड़े मुश्किल केस हल किए हैं। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर में शनिवार की सुबह पुलवाला के इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस एनकाउंटर में सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद हो गया। जवान पहले गोली लगने की वजह से घायल हो गया था। जवान को अस्पताल ले जाया गया लेकिन चोट के चलते बाद में जवान ने दम तोड़ दिया। अधिकारी सूत्रों के अनुसार इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छुपे होने की खबर थी लेकिन इलाके में भारी पत्थरबाजी के चलते आतंकी भाग निकलने में कामयाब हो गए।
इससे पहले सुरक्षा की ओर से किए गए बड़े ऑपरेशन में रविवार को हिजबुल कमांड समीर भट्ट मारा गया था, जिसके बाद श्रीनगर में अलगाववादियों ने इसके इलाके में दो दिन तक बंद बुलाया था। आपको बता दें कि इलाके में जगह जगह पत्थरबाजी की गई, जिसके चलते पिछले दिनों चेन्नई के एक पर्यटक की मौत हो गई थी। अलवर में अपर जिला और सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 2 तिजारा ने विवाहित का अपहरण करने पर कमरे में बंधक बनाकर देशी कट्टे का भय दिखाकर गैंगरेप मामले में दो आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है। एडीए शंकरलाल गुप्ता ने दोनों अभियुक्त अख्तर अली उर्फ मिस्सा पुत्र रमजान निवासी जेरोलो और शकील पुत्र मगरुद्दीन निवासी पड़ेनी थाना तावड़ी को 20-20 साल के कठोर कारावास के अलावा 1-1 लाख रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक सुनील जैन ने बताया कि पीड़िता ने 17 अगस्त 2016 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 2 अगस्त 2016 को मुलजिम अख्तर अली और शकील ने उससे सामूहिक दुष्कर्म किया था। ओसी उपखंड मुख्यालय पर शुक्रवार को अटल सेवा केंद्र में न्याय आपके द्वार शिविर का आयोजन उपखंड अधिकारी गोपाल परिहार की अध्यक्षता में हुआ। शिविर में परिहार ने संबोधित करते हुए कहा कि फरियादियों की समस्या को सुनकर उनका हाथों हाथ निवारण करना ही प्रशासन की प्रथम प्राथमिकता है। परिहार ने बताया कि शिविर में शुद्धिकरण, नामांतरण, भूमि समर्पण, रास्ता विवाद, बंटवारा, पेंशन, आधार सीडिंग, भामाशाह, खाद बीज वितरण, चिकित्सा विभाग द्वारा स्वास्थ्य जांच, पंचायती राज, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत परिवारों को बिजली कनेक्शन जारी करने, नाहर गैस एजेंसी द्वारा उज्जवल गैस योजना के तहत गैस एजेंसी कनेक्शन वितरण करने, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा दिव्यांगों को ट्राई साइकिलिंग वितरण करने, श्रम विभाग द्वारा दुर्घटना मल मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को सहायता राशि प्रदान करने और न्यायालय में लंबित पुराने प्रकरणों सहित फरियादियों की अनेक समस्याओं का हाथों हाथ निस्तांतरण किया गया। वही शिविर में ग्रामीणों ने भैरू सागर उप सरपंच अंबालाल शर्मा के नेतृत्व में पानी की समस्याओं को लेकर जलदाय विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भारी नाराजगी जताई है। बड़ी टंकी बने में 8 साल हो गए, परंतु अभी तक मीठे पानी का एक दिन भी नहीं आया। बार बार अधिकारियों को कहने के बावजूद कहते हैं कि अभी हमारे प्रोजेक्ट में है नहीं, सारा का सारा पानी है वो ओसम आता है, भैरूसागर के नाम से आते हैं, यहाँ जंग सिंह का ज़्यादा है, इसलिए भैरूसागर के लोग अब आए दिन शिकायत करते हैं, परंतु उसका कोई भी जवाब नहीं दे रहे, इसका कारण बताएं तो आज एस एम साहब के सामने प्रस्तुत हुए तो उन्होंने कहा कि मैं 20 तारीख के है वो पानी है वो सप्लाई कर दूंगा। तो हमने कहा 20 नहीं, 25 तारीख को दे देना, अगर 25 तारीख बाद में नहीं दिया तो हम आपको आगे के आप कार्यालय के अंदर वो आंदोलन करेंगे, ये उनको बात की। तो उन्होंने कहा कि आप है वो 25 तारीख के बाद आप मेरे से आकर के मिल सकते हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा कि पूरा राज्य अराजकता की गिरफ्त में है। इस पर भी राजभवन का मौन धारण आश्चर्यजनक है। कासगंज और बनारस के सिंधिया घाट की घटना ध्वस्त कानून की व्यवस्था का एक उदाहरण है। अखिलेश ने कहा कि अपराधियों के बड़े हौसले के आगे शासन प्रशासन लाचार नजर आ रहा है। इसके बावजूद इसके सरकार द्वारा इन घटनाओं के लिए निजी किसी की जवाबदेही तय नहीं की जा रही। अखिलेश ने IPN को भेजे अपने बयान में कहा कि मुख्यमंत्री को सीतापुर जाने की फुर्सत तब मिली जब उन्होंने कुत्तों से दर्जन बच्चों की जान बचाई। इस विफल सरकार पर सवाल खड़ा कर दिया है। मृत बच्चे के परिवारजनों को मदद पर भी सरकार का रवैया संवेदनहीन है। सपा प्रमुख ने कहा कि राज्य में दहशत का माहौल है। दिन दहाड़े सरेहाथ साथी की हत्या से आक्रोशित अधिवक्ता इलाहाबाद सहित पूरे राज्य में हड़ताल पर है। भाजपा सरकार बताए कि कानून का शासन कहां है। उन्होंने कहा कि कोई पहर नहीं बचता जब किसी न किसी दुर्घटना से राज्य के नागरिकों को 2-4 से होना पड़ता है। बागपत में 2 बहनों ने तो स्कूल जाना ही छोड़ दिया, अब वे घर से ही बाहर नहीं निकल पा रही है। अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री का दावा है कि मुठभेड़ से रामराज स्थापित होता है।
जबकि अपराधी खुलेआम गंभीर से गंभीर अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। जनता के क्या है विचार, अब राजस्थान की हर खबर पर रखिए ध्यान। राजस्थान के हर क्षेत्र पर पहनी नजर, क्यों मचा है सियासत में घमासान। पूरे दिन राजस्थान के हर क्षेत्र पर पहनी नजर, राजस्थान हलचल में सिर्फ सत्यमेव न्यूज चैनल पर। भीनमाल में निजी प्राइवेट कंपनियों की मनमानी देखने को मिल रही है। इस सीजन में अन्य राज्यों में व्यवसाय प्रवासियों के लिए मारवाड़ की आवाजाही इन दिनों बड़ी चुनौती बन गई है। रोजाना दक्षिण भारत के विभिन्न शहरों के लिए सीधी रेल सेवा नहीं होने से यात्रियों को मजबूरन में निजी ट्रेवलर्स बसों में सफर करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं कि ट्रेवलर एजेंसी के संचालक लोगों से मुंह मांगा दाम वसूल रहे हैं। भीनमाल से मुंबई का किराया 600 रुपए की जगह 2000 रुपए वसूल रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि बस में उतरने चढ़ने की गैलरी में भी यात्रियों को ठूस ठूस कर बिठाया जा रहा है। आवाजाही करने पर निजी ट्रेवलर्स बच्चों की हालत देखी जाए तो इनमें से पैर रखने के लिए जगह नहीं होती। इस महीने में अधिक शादियों के चलते क्षेत्र में ट्रेवल्स एजेंसी संचालक लोगों से मनमाना किराया वसूल रहे हैं। इतना ही नहीं, 2 माह की सीजन में एजेंसी चालक लोगों से मुंह मांगे दाम वसूल कर मालामाल हो रहे हैं। तो इस और परिवहन विभाग ध्यान नहीं दे रहा, ना ही कोई चेक पोस्ट पर पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई कर रहा है। ऐसे में इनका कारोबार धड़ल्ले से चलाया जा रहा है। ऐसे में बस में 60 सवारियों की जगह 100 से अधिक सवारियां बिठाई जा रही है। बस की गैलरी सहित बस के अंदर फूस फूस कर सवारियों को सफर करवाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, वही मनमाने दाम उनसे वसूल किए जा रहे हैं। राजस्थान के सिरोही में अजपुरा के समीप झोपड़े में अचानक आग लगने से लोगों में हड़कंप मच गया। आग लगने से झोपड़े और उसमें रखा सामान जलकर राख हो गया। स्वरूपगंज पुलिस मौके पर पहुंची तो स्थिति को नियंत्रण में किया। आग पर काबू पाने से पूर्व ही झोपड़ा पूरी तरह जलकर राख हो गया था। फिलहाल कोई बड़ी जनहानि की सूचना अभी तक नहीं है। पाली के सिरियारी में आहुआ नगर में बन रहा राजस्थान का सबसे बड़ा और विशाल पेनोरमा का कार्य अब अंतिम चरणों पर है। राज्य और प्राचीन पुरातत्व विभाग इस पेनोरमा पर अरबों रुपए खर्च कर 1857 अमर क्रांति वीर और स्वतंत्रता सेनानियों की याद में है। आहुआ सपूत वीर क्रांतिकारी ठाकुर कुशाल सिंह और अन्य सभी वीरों का सचित्र उल्लेख यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ 24 विशाल दीर्घाएं बन चुकी है, नया निर्माण हो चुका है, कोटा स्टोन के कार्य पूर्ण हो चुका है, गार्डन और मुख्य सड़क निर्माण प्रगति पर है। इस पेनोरमा में अमर वीर क्रांतिकारी कुशाल सिंह की आदम आकृति विशाल प्रतिमा लग चुकी है। 1857 की क्रांति वीरों और कुशाल सिंह की ओर से समूचे उपखंड के आराध्य देव जो कि घर घर में पूजी जाती है, उनके 54 हाथ और 10 मुख की मूर्ति
600 गांव ढाणी से गुजर शीघ्र इस पैनोरमा में विराजित की जाएगी। धौलपुर जिले के सेपो कस्बे से गुजरने वाले नेशनल हाईवे संख्या 123 पर स्थित कुम्हेरी गांव के निकट एक बोलेरो और मोटरसाइकिल भिड़ंत में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस गश्ती वाहन द्वारा सीएससी सेपो पहुंचाया गया, जहां घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। जिला मुख्यालय ने रेफर कर दिया है। मामला शुक्रवार शाम 7 बजे का है, जब एक बोलेरो गाड़ी तेज रफ्तार से सेपो की तरफ जा रही थी, तभी कुमेरी गांव के निकट धौलपुर की तरफ से आ रही मोटरसाइकिल से टकरा गई, जिससे दोनों मोटरसाइकिल सवार मोनू सोनू पुत्र गणगोपाल शर्मा निवासी मानिया गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पाकर माई जाप्ता मौके पर पहुंची। सेपो थाना इंचार्ज टीनू सुगरवाल ने गश्ती वाहन द्वारा घायलों को सीएससी सेपो पहुंचाया, जहां चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया है। वहीं पुलिस द्वारा बोलेरो को जब्त कर लिया गया है और चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने चालक की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस थाने से जो है जीप द्वारा दो एक्सीडेंट के केस लाए गए, जिनकी हालत काफ़ी खराब थी और जिनको हमने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर किया। जयपुर में राजस्थान रॉयल्स ने शुक्रवार को इंडियन प्रीमियर लीग के 11वें संस्करण में सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को 4 विकेट से शिकस्त दे दी है। चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 176 रन बनाए। राजस्थान टीम ने एक गेंद शेष रहते इस लक्ष्य को हासिल कर अपनी अंतिम चार में जाने की उम्मीदों को बरकरार रख लिया है। राजस्थान के लिए जॉस बटलर ने 60 गेंदों में 95 रनों की नाबाद पारी खेली। उनकी पारी में 11 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उनके अलावा संजू सैमसन ने 21 रन और स्टुअर्ट बिन्नी ने 22 रन बनाए। इससे पहले चेन्नई के लिए सुरेश रैना ने 52 रनों की पारी खेली। आज में कप्तान महेंद्र सोनी ने एक बार फिर अच्छा स्कोर करते हुए टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। रैना ने अपनी पारी में 35 गेंदों का सामना किया और 6 चौकों के अलावा 1 छक्का लगाया। धोनी ने 23 गेंदों में 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 33 रनों की पारी खेली। सैम बिलिंग्स ने 22 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 27 रन बनाए। राजस्थान के लिए जोफ्रा आर्चर ने 2 विकेट लिए। ईश सोडी ने 1 विकेट हासिल किया और एक बल्लेबाज रन आउट हुआ था। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए। तब तक लेकर हिम्मत जाइए, देखते रहिए सत्यमेव न्यूज़।